बेरमो प्रखंड के जारंगडी उत्तरी पंचायत स्थित राजेंद्र उच्च विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित शिक्षक व छात्र छात्राओं ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को अपनी संगीतमय श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान सर्वप्रथम सभी लोगों ने लता मंगेशकर जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उसके बाद वक्ताओं ने लता मंगेशकर जी के जीवन संघर्ष और प्रेरणा पर प्रकाश डाला और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में उनके द्वारा गाए गए गीत की प्रस्तुति की गई। सभा में विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार ने कहा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कदापि नहीं की जा सकती। स्वर कोकिला भारत रत्न, भारत की बेटी, हमारी दीदी लता मंगेशकर के हम सबों के बीच से चले जाने के कारण सभी हृदय विदारक आज भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। वो हमारे बीच आज सशरीर नहीं हैं, लेकिन वो हमारे जहन में, हमारे स्वर में, हमारे आनंद में, हमारे संगीत में, हमारे गीत में हर जगह हैं। उन्होंने कुछ शब्दों को अमर कर दिया है और उनकी आवाज़ की अमरता को हम सभी भारतवासी, या यूं कहें तो विश्व के सभी संगीत प्रेमी, कभी भी भूल नहीं सकते हैं। लता दीदी केवल भारत के प्रांगण में ही नहीं, वो पूरे विश्व पटल पर आदरणीय, पूजनीय थी और वो हमेशा हम सबों के बीच, हमारे दिलों में बनी रहेंगी। वो हमारे बीच से गई नहीं हैं, वो हमारे बीच ही हैं, लेकिन यह तो रीति है कि जो आया है वो जाएगा। आज वो हमारे ईश्वर के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त हुआ है। उन्हें हम सभी आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से अनुकंपा पूर्ण प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी लता दीदी को अपने श्री चरणों में स्थान